Hello friends, welcome to DIY Castle. Hope you all are doing good. आज मैं दिखाने जा रही हूँ थोड़ा प्लांट जो मेरे टेरेस पे है. बहुत ही कम है, ये गार्डन तो नहीं बोला जा सकते, बट फिर भी मैं दिखाना चाहती हूँ क्योंकि बहुत अच्छा ये रोज़ ब्लूम कर रहा है. तो ये देख के मुझे मन किया कि मैं एक वीडियो. सो ये देख सकते हैं, पता नहीं कैमरे में कैसे आ रहा है, बट इसका कलर वाइब्रेंट रेड है जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखता है. ये दूर से भी इसका कलर इतना ब्राइट है, दूर से बहुत अच्छा लगता है और पास से तो लगता ही है. इसका साइज बहुत ही अच्छा है और बहुत सुंदर है. और ये और खिलेगा, ये अंदर टाइट है पूरा वीवी. ये सब अभी पेटल्स निकलेगा बाहर, तो ये और भी साइज इसका थोड़ा ग्रो करेगा. और मेरा ये टेरेस बिल्कुल इतना सजा हुआ नहीं है, बस इधर उधर प्लांट्स रखा हुआ है ऐसे ही. सो ये मेरा एक सदाबहार का जो मैंने कटिंग से ग्रो किया. ये सब गेंदे का कटिंग जो ग्रो हो रहा है अभी. इधर है अपराजिता का प्लांट और ये है एलामेंडा जो कि येलो कलर में आता है फ्लावर. और इधर थोड़ा वो मैंने कार्डबोर्ड कट करके उस पर ही अभी पानी दिया है, तो गीले फर्श को आप इग्नोर कर सकते हैं. तो मैंने कार्डबोर्ड के बॉक्स के ऊपर प्लास्टिक का जो शीट आता है वो के मैंने ऑनियन फिर टमाटर लगा रखे हैं. इसमें करेले भी है जो कि लाइक चिटिया था बहुत सारा, और फिर बर्ड्स ने भी इसको आगे की सारे खा लिया. पता नहीं क्यों, करेले तो उतना टेस्टी भी नहीं होते, बट बहुत सारे प्लांट मेरे वैसे खा लिया चिटियों ने और बर्ड्स ने. सो और इधर मैंने पत्ता गोभी का वो नीचे का जो स्टॉक है वो लगा रखा है. ये ग्रो करता है दोस्त, लेकिन कॉलीफ्लावर का नहीं, मतलब फुल गोभी का नहीं ग्रो करता है. मैंने ट्राई किया फुल गोभी का और पत्ता गोभी का. मेरे नीचे ज़मीन पे 3 पत्ता गोभी लगा हुआ है जो कि अच्छे से ग्रो कर रहा है. आउट ऑफ 4 3 अच्छे से ग्रो किया, लेकिन फुल गोभी कभी ग्रो नहीं करता है. ब्रोकोली का मैंने टेस्ट नहीं किया. और ये है कद्दू का पौधा, और इधर थोड़ा मिर्ची लगा हुआ है. कैलेंडुला वो पानी नहीं दिया गया था, इसलिए सूख गया, वो दूसरे साइड में था, तो आज मैंने इधर रखा, आज पानी दिया, देखते हैं. ये ऑरेंज का प्लांट है, मेरे पास और भी बहुत सारा ऑरेंज का प्लांट है, ये बस एक्स्ट्रा निकला था, तो मैंने ये सॉस का पैकेट कट के इसमें डाल दिया. ये मेरा कटिंग से ग्रो किया हुआ गेंदा है. इसका एक मैंने जो आया था फुल कली उसको काट दिया, लेकिन अभी 2 ब्रांच निकला है, दोनों में ही फूल आया, तो मैंने काटने का मन नहीं किया, इसको रहने देते. ये है बाबू घोषा का प्लांट, ये है सारा क्रिसेंथमम, फिर रोज़, ये रेड जो देसी रोज़ होता है छोटा छोटा बहुत सारा आता है वो वाला, हिबिस्कस है. और इधर बहुत सारा मिर्ची का पौधा जो उगा है फ्रॉम सीड्स. इधर एक पाम ट्री है साथ में है क्रिसेंथमम जो कि कटिंग से ग्रो किया गया है. इधर टमाटर का प्लांट है और एक रोज़ का कटिंग मैंने लगाया, देखते चलता है कि नहीं. ये रोज़ खिल रहा है, ये भी बहुत सुंदर बहुत वाइब्रेंट कलर है. कैमरे में पता नहीं आ रहा है कि नहीं, लेकिन सामने से बहुत सुंदर लगता है. और जबकि ये थोड़ा दिन हो जाता है तो इसका पर्पल होने लगता है साइड से पेटल्स. और इधर भी है कुछ गेंदे का, फिर टमाटर, फिर क्रिसेंथेमम. ये है मेरा ऑरेंज प्लांट जो कि सीड से ग्रो किया हुआ है. देखिए इसका हाइट देखिए. और ये है रोज़, ये पिंक कलर का आता है बड़ा वाला रोज़. इसके बगल में जो है वो रेड वाला रोज़ का कटिंग मैंने लगा है, देखता चलता है कि नहीं. और ये बाइकलर में बाइकलर भी पूरा सूख गया है, कल परसों तक ये ठीक था. बहुत ज़्यादा धूप चल रहा है अभी, तो इसलिए ये पूरा सूख गया. आप देख सकते हैं येलो एंड पिंक में होता है बाई कलर का, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है. इसमें बहुत सारे कली आ रही है, आप देख सकते हैं बहुत सारे आ रहे. इधर भी है, इधर भी, ये देखिए, ये फिर ये
बहुत सारे आ रहे हैं। तो ये है इस बाई कलर का गुलाब, और ये है पिंक जिसका ब्लूम अभी हो चुका है, ये ख़त्म। पिंक कलर का पेटल्स था एकदम एक कलर में, वो बहुत सुंदर था। इसमें सेवन लीव्स वाला एक नोड निकला है, इसको कट कर देना होगा। यह है लेमन ट्री, ये ग्राफ्टेड प्लांट ख़रीदा गया था, तो ये पूरा सूख गया था, इसमें वो मेलीबाग्स था, चिटिया पूरा एकदम भर लिया था। तो मैंने एक मेडिसिन पेस्टिसाइड देने के बाद ये अभी नया से ग्रो कर रहा है फिर से, बहुत सारे पत्ते आ रहे हैं। ये एक येलो रोज़ का प्लांट है जो कि थोड़ा फेडेड में होता है, मतलब होता तो जब ये नया खिलता है, इसका पेटल्स गिर रहा है, तो जब ये नया खिलता है तो येलो रहता है, थोड़ा वाइब्रेंट येलो, पर टाइम जाते जाते ये थोड़ा फेड होने लगता है। जैसे आप देख रहे हैं अभी ऑफ वाइट टाइप का कुछ कलर है, ज़्यादा वाइटिश लग रहा है लेकिन ये वाइट है नहीं। इसमें बहुत सारा होके रखा था, 10 था एक साथ में, जो कि आप देख रहे हो बहुत सूख गया है। इसमें वो कट कट के ये वाला फेंका गया है, देखिए इधर ही 4-5 तो है, और फिर इधर एक प्लांट में लगा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 ये, और इधर सब कटा गया है क्योंकि वो सूख गया था पूरा। ये धूप ज़्यादा दिन नहीं चलता लेकिन इसमें बहुत सारे आता है और बंच में आता है पूरा। ये है हम लोग का देसी रोज़ जो कि जिसका पेटल्स बहुत कम होते हैं, लेकिन बहुत विंटर में ये काफ़ी हद तक बड़ा खिलता है। ये कंटेनर में पॉट में है इसलिए शायद इतना बड़ा नहीं हुआ है, बट नीचे ज़मीन में जो लगा हुआ है वो भी मैं वीडियो दिखाऊंगी लास्ट में, उसमें देखना आप, वो बहुत साइज़ उसका बहुत अच्छा है। ये थोड़ा छोटे में ही है लेकिन बहुत सारा खिलता है तो अच्छा लगता है। ये मेरा बोगनवेलिया का प्लांट है जो कि बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। ये बॉन्साई है, मतलब बॉन्साई बनाने की कोशिश कर रहे थे, बट एक साल हो गया इस पे कोई मेंटेनेंस नहीं है, तो ये थोड़ा देख ही सकते इसका हालत उतना अच्छा नहीं है अभी, फिर भी ये कितना अच्छे से ब्लूम कर रहा है। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, पूरा ऊडी है इसका, इसका पतला वाला डंडा भी ऊडी होता है, तो इसमें उतना ज़्यादा मेंटेनेंस का ज़रूरत नहीं होता है, बट अपने जितना ज़्यादा फर्टिलाइज़र ऐड करोगे, जितना केयर करोगे उतना ही ज़्यादा ब्लूम होगा इसमें। ये भी जो देसी रोज़ है वो है, देख सकते हैं देसी रोज़। बहुत ही प्यारा लगता है मुझे, ये देखिए कितना छोटा है ये प्लांट, तो इसमें भी इतने सारे कलियां है, देखिए आप इतने सारे कलियां देख ही पा रहे होंगे सारे ब्रांचेस में, और जो मैं कटा, मतलब ये सब में हम लोग कट कर दिए क्योंकि ख़राब, मतलब सूख गया था फूल, जैसे कि ये भी सूख रहा है, ये सब भी कट कर देना होगा। और ये है दूसरा एक रेड रोज़ जो कि मरून टाइप का है, ज़्यादा वाइब्रेंट रेड तो नहीं है। इसमें देखिए कलिया का कलर आप देख सकते हैं, दूसरा भी है, बहुत सारे बर्ड्स आए हुए हैं, ये देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है, और उधर एक फूल खिल रहा है इसका, मैं दिखाती हूँ। ये 12 इंच के पॉट में लगे हुए हैं, बहुत ही भारी है, मैं फिर भी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, और इसमें बहुत सारे कांटा है, ये कांटे के वजह से दिखाने में दिक्कत हो रही है, ये देखिए। ये देखिए बहुत ही सुंदर से फूल है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, इसको मैं थोड़ा घुमाने की कोशिश करती हूँ, ये अब सही से दिख रहे हैं, ये देखिए बहुत ही, ये और खिलेगा, बहुत ही प्यारा है। और ये है एक पिंक रोज़ का, जो कि इंग्लिश रोज़ है, लेकिन इसका साइज़ उतना बड़ा नहीं होता है, लेकिन इसमें बहुत सारे
एकदम में खिलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो इधर एक कली है, इधर एक कली है, हर हर ब्रांच में दो तीन करके कली लगे हुए हैं, इधर भी दो है, इधर भी दो है। तो इसमें बहुत देर से फ्लावरिंग हो रही है, एक हुआ था उसके बाद ये कटा कट कर दिया हम लोग, उसके बाद ये हिबिस्कस का प्लांट है और इधर साइड में मेक्सिकन पिटूनिया जो सीड्स गिर गया था उससे निकला है। और बस यही है, ज़्यादा खास कुछ और है नहीं इधर। ये रेड रोज तो मेरा बहुत ही फेवरेट है, कितना सुंदर लग रहा है, अभी धूप आया है तो और भी प्यारा लग रहा है। कैमरे में तो उतना अच्छा लग नहीं रहा है, लेकिन ये मैं सामने से देख रही हूँ तो बहुत ही सुंदर कलर है इसका, बहुत ही प्यारा कलर है, पूरा रेड है। और मुझे रेड रोज सबसे ज़्यादा पसंद है, मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है। ये थोड़ा एक ये मैंने एक बॉटल कट के हैंगिंग प्लांटर बनाया जो कि इन दिनों बहुत ट्रेंड में है, थोड़ा सा पेंट कर दिया इसकी। अभी इसमें थोड़ा पोर्चुला का मैंने लगाया है, कल ही लगाया इसे, और दो तीन टेनिया और लगाने हैं इसका, मैं कट करके इधर रखी हूँ, ये लगाऊंगी अभी मैं। ये है कलौंचे, ये गार्लिक का प्लांट है, ये अपराजिता है, इसमें दो प्लांट है एक साथ में, और मैं इसको इधर लपेट लूँगी क्योंकि ये क्लाइंबर प्लांट है तो इसमें ये क्लाइंब कट जाएगा, इसलिए ये रखी हूँ। ये अमरूद का ब्रांच है, अमरूद का पेड़ का ब्रांच है। ये है मिनी जो चांदनी आती है वाला, मिनिएचर चांदनी, ये और एक अपराजिता है, और ये है रेन लिली जो पिंक कलर का साइज बड़ा वाला में आता है वो वाला। ये गेंदा है जो कि सूख रहा है अभी, ये कैक्टस, ये है इसका नाम मुझे नहीं पता, एक सकुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है, और ये क्रिसेंथेमम, वो बॉन्साई है बैनियन का, और उसमें आप देख सकती है बैनियन का बॉन्साई, ये है दूसरा बैनियन का बॉन्साई। ये सब मेरे पापा का किया हुआ है, तो पहले और भी अच्छा था लेकिन बहुत बहुत साल पुराना है, इसका मेंटेनेंस भी नहीं होता, ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है, थोड़ा बहुत पानी दे दिया जाता है बस, और कुछ नहीं दिया जाता है, लेकिन फिर भी इसका बॉन्साई का देखिए आप रूट्स कितने अच्छे से है, मतलब बहुत ही सुंदर है ये। और उधर मिनी चांदनी है, और थोड़ा सा गेंदा है, और अब देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुल है ये फ्लावर्स जो बाई कलर में आता है, पिंक एंड येलो, येलो ज़्यादा पिंक कम, ये येलो आता है जो वाइट हो जाता है। और ये देखिए कितना बढ़िया सी रोज़ खिल रही है, सारा ये रेड रोज़ है बट ये थोड़ा डार्क है, मरून टाइप का है ये, आपको इधर से दिखाती हूँ, ये पता नहीं कैमरा में उतना पता चल रहा है कि नहीं, दोनों एक ही टाइप का लग रहा है, बट ये एकदम वाइब्रेंट रेड है जिसका साइज बहुत ही बड़ा है, देख सकते हो। और ये थोड़ा मरूनिश टाइप है, और ये पिंक रोज है, और ये भी सेम है बट थोड़ा इसका साइज जो है ज़्यादा अच्छा है उस वाली से, उसमें छोटे छोटे बहुत आते हैं, इसमें एक ही आता है बड़ा होता है, और वो कलर तो आप देख ही चुके हैं, बहुत ही प्यारा कलर है, ये भी बहुत ब्राइट कलर है, बहुत ही सुंदर कलर है। एक और ये एक बहुत ही प्यारा सकुलेंट कैक्टस टाइप का है एक्चुअली, जो कि इतना ज़्यादा फैल गया है, एक एक छोटा छोटा है, ये देखिए एक ऐसे है और वो पूरा फैल गया है। इधर नीचे भी बेबी प्लांट्स है, आप अंदर अगर देख पा रहे हो बेबी प्लांट्स है पूरा, और पूरा ऐसे करके फैल गया, और इधर से तो पूरा जो
ये टब है, इसके बाहर निकल गया, देखिए अब कैसे, ये देखिए बाहर निकल गया सारा। तो एक साइड में ये पूरा ज़्यादा फैल गया इधर, नहीं तो पूरा राउंड में ही था। तो अभी इधर वाला मैं सारा एक एक करके शिफ्ट कर दूंगी धीरे धीरे। Thank you.